ओके मानस, एक स्टॉक है BHEL, हमेशा की तरह इस क्वार्टर में भी रिजल्ट उसके कमजोर आए और स्टॉक 5% नीचे है, लेकिन 304 रुपए पे है। और ये जब 60-70 रुपए का था तब से रिजल्ट खराब, स्टॉक में तेजी, रिजल्ट खराब स्टॉक में तेजी, कमेंट्री अच्छी, सब कुछ चल रहा है। आज स्टॉक 5% नीचे है, क्या किसी को इसमें बेट करना चाहिए लॉन्ग साइड? जी, तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है और लगातार अगर हम 80 रुपए से देखें तो लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और ऐसे रीजन बीच बीच में मिलते रहते हैं, तभी स्टॉक करेक्ट होता है। जब आपको रिजल्ट निगेटिव दिखता है स्टॉक के बारे में या कंपनी के बारे में कोई निगेटिव न्यूज देखने को मिले तभी आपको खरीदारी करनी है। तो आज एक मौका है जहां आप BHEL में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आपको लगाना है, 264 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन अगर आपके पास 2 मंथ का समय हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 350 रुपए तक के भाव BHEL में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। और इसमें एक सवाल और लेते हैं फटाफट, RVNL पे अभिषेक मिश्रा का है, इन्होंने 6 से 12 महीने के नजरिए से पूछा है कि इसमें क्या पैसे डाल देने चाहिए? बिल्कुल डालने चाहिए। देखिए स्टॉक बीच में करेक्ट हुआ था तब तो ऐसा लग रहा था कि शायद जितने की रैली देखने को मिली है वैसे ही डाउनसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया, कंसोलिडेशन दिखाया और फिर से मूव देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट है, निवेश करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 280 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, कभी कोई डिप मिले तो बेहतर अपॉर्चुनिटी 320 रुपए के आसपास होगी। 280 के स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 425 के टारगेट सेट करके। 425 के टारगेट के RVNL में पोजीशन बनाई जा सकती है। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।